हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सेटिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज भी हम कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 7 सेटिंग नियर अबाउट आपको बताया था, ठीक है। आज भी कुछ सेटिंग बता रहे हैं हम। देखिए, आज जो हमारा पहला सेटिंग है उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन, ठीक है। आपको मैं बताया भी हूँ कमांड लाइन कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका दिख रहा है कमांड लाइन, ठीक है। तो कमांड लाइन को आप ड्रैग करा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, या ऊपर रख दिए या इधर रख दिए, जहां भी आप रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये देखिए कॉर्नर पे ग्रिड तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करके और ड्रैग कराना है, ठीक है। या अगर आपको और बड़ा लेना है तो आप ये देखिए एकदम नीचे ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए कमांड लाइन और बड़ा शो करने लगा। फिर आपको अगर अपने जैसे पहले सेट था उस तरह ले जाना चाहते हैं तो फिर वही ग्रिड पे क्लिक करिए और देखिए आपके यहाँ पे छोटे में शो करने लगा, ठीक है। ये होता है। अब देखिए, अगर आपका जो ये कमांड लाइन है अगर वो हट गया, मान लीजिए मैं इसको हटा दिया, ये क्रॉस पे क्लिक किया, अब ये देखिए यहाँ पे एक मांग रहा है कि क्या आप हटाना चाहते हो, तो मैंने यस कर दिया, ठीक है। देखिए नीचे से कमांड लाइन जो है वो हट गई, ठीक है। बाई डिफॉल्ट आपसे अगर कभी गलती से अगर हट जाती है तो आप उसको किस तरह से रिस्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने स्क्रीन पे CLI टाइप करना है, ठीक है। देखिए आपको कमांड लाइन लिख के आ गया और क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कमांड लाइन देखिए आपका आ गया नीचे। ये पहला मेथड होता है। अब देखिए दूसरा मेथड एक और होता है, हम इसको फिर से हटा देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ Ctrl 9 करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, Ctrl 9, देखिए Ctrl 9 आपका जो कमांड लाइन है यहाँ से देखिए फिर से आ गया, ठीक है। Ctrl 9 मैंने किया, कमांड लाइन फिर से आ गया। ये होता है कमांड लाइन, हम अपना उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसका यूज क्या होता है, आपको यहाँ पे पता होता है कि यूज, जैसा मैं आपको बताया था कि कोई भी कमांड आपको जो भी यहाँ से यूज करने है, तो या आप तो डायरेक्ट माउस से क्लिक करके आप अपने कमांड को एक्टिवेट करा दीजिए, या उस कमांड का जो शॉर्टकट होता है, जैसे लाइन कमांड का L, सर्कल का C, आप यहाँ पे कमांड को लिख के और यहाँ से इंटर करा के आप एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। और जो भी कमांड आप रन करा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप उसको गाइडेंस अपने कमांड लाइन से दे सकते हैं। जैसे सर्कल आपने लिया तो रेडियस ले, यहाँ से आपको वैल्यू देना होता है, ठीक है। या मान लीजिए आप यहाँ से रेक्टेंगल जैसे ले लिए, रेक्टेंगल लेने के बाद आपको अगर कई तरह के ऑप्शन यहाँ देखिए दिख रहे हैं, जैसे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने रेक्टेंगल के शेप को या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। ये यूज होता है हमारा कमांड लाइन का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डोगल कीज पे, ठीक है। डोगल कीज क्या है, स्टेटस बार में हमारे डोगल कीज होते हैं, ठीक है। डोगल कीज जो होते हैं वो 4 डोगल कीज हमारे जरूरी होते हैं 2D वर्क के लिए, ठीक है। अगर हम 2D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ मुझे 4 डोगल कीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप दिख रहा है, ठीक है, कहाँ ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप आपको दिख रहा है। और एक होता है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग होता है, ठीक है, उसी के जस्ट बगल में है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, ठीक है। और उसी के और बगल में आएंगे तो यहाँ से आपको ऑर्थो मोड दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये आपको यहाँ पे देखिए ग्रिड मोड एक दिख रहा है, ठीक है। ये होता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको 2D वर्क के लिए डोगल कीज हमारे जरूरी होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ये चारों की को एक्टिवेट करा सकते हैं, या अगर ये सारे चारों की यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ लास्ट में आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने डोगल कीज को एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक डोगल कीज और है अपना 2D के लिए जो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था, जिसको मुझे दिखाना था आपको, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ओपन कराया, जिसका नाम होता है डायनेमिक इनपुट, ठीक है। डायनेमिक इनपुट भी हमारा जो 2D ऑब्जेक्ट के लिए डोगल कीज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डोगल कीज आपका ये डायनेमिक इनपुट आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से अपने स्टेटस बार के सारे डोगल कीज को आप मैनेज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में जाके, ठीक है। ये हमारी बात होगी डोगल कीज की।
अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन मेथड, बताते हैं आपको सिलेक्शन मेथड क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक फिगर ये हो गया, उसका फिर हम यहाँ से सर्कल ले लिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया, और पॉली लाइन मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक फिगर हो गया, ये हम मान लेते हैं कि कोई हम ड्राइंग बना रहे थे। सिलेक्शन मेथड में आपको जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था, अपने माउस को जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आप क्लिक करके ले जाओगे तो आपको एक ग्रीन विंडो दिखेगा, ठीक है, ग्रीन शेप में रेक्टेंगल में आपको एक विंडो दिखेगा, और जब आप अपने माउस को लेफ्ट से राइट की साइड ले जाओगे तो आपको ब्लू कलर का एक विंडो दिखेगा, ठीक है। तो ये दो तरह के सिलेक्शन मेथड होते हैं, एक ग्रीन एक ब्लू, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए ब्लू क्या करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ग्रीन क्या करता है वो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। जो ग्रीन विंडो होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो, ठीक है, ग्रीन विंडो का मतलब होता है क्रॉसिंग विंडो, और जो ब्लू विंडो होता है उसको हम बोलते हैं टोटल कवर, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है दोनों का, देखिए जब हम ग्रीन विंडो लेते हैं तो जिस भी फिगर को वो विंडो क्रॉस करेगी, चाहे वो फिगर पूरी तरह से उस विंडो के अंदर है या नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर सिर्फ उस फिगर को क्रॉस कर रही है तो वो क्या करेगी, उस सारे फिगर को सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। जैसा आपने देखा मैंने अभी ग्रीन विंडो सेलेक्ट किया तो सिर्फ यहीं तक लिया था, इधर नहीं लाया था, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ये होता है आपका ग्रीन विंडो, ठीक है। अब ब्लू विंडो में आपको क्या करना है, ब्लू विंडो अगर मान लीजिए मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम सर्कल के आधे भाग तक ले गए और हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखिए सर्कल न सिलेक्ट होकर सिर्फ इतना भाग सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि ब्लू विंडो के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का पूरा हिस्सा, टोटल पार्ट उस ऑब्जेक्ट का ब्लू विंडो के अंदर होना चाहिए तभी सिलेक्शन होता है। और ग्रीन विंडो में क्या होता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही अगर टच हुआ है या उस ऑब्जेक्ट से क्रॉस हो गया विंडो तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये होते दो हमारे मेथड, एक ग्रीन सिलेक्शन विंडो और एक ब्लू सिलेक्शन विंडो, ठीक है। अब देखिए हम आपको और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्कल यहाँ पे बनाया मैंने, एक रेक्टेंगल बनाया, एक पॉलीलाइन बनाया, मान लीजिए हम एक सर्कल और बना दिए, ठीक है, एक सर्कल और बना दिया हम, ठीक है, एक रेक्टेंगल मान लीजिए हम इधर से और बना दिए, ठीक है, फिर एक सर्कल मैंने यहाँ से बना दिया मान लीजिए। अब देखिए आपको सिर्फ अगर एक शेप को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए सिर्फ सर्कल को ही सिलेक्ट करना है आपको, तो अगर आप ग्रीन विंडो लो तो देखिए सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है, या अगर आप ब्लू विंडो ले रहे हैं तो मान लीजिए ये पूरा हो रहा है, ठीक है, ये पूरा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तो पूरा पूरी तरह से पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्लिक हो जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ सर्कल को ही सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि सर्कल के किसी भी एक सर्कल पर क्लिक करिए आप, ठीक है, क्लिक करने के बाद उसी सर्कल पर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट सिमिलर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट हुए हैं और कोई भी फिगर सिलेक्ट नहीं हुआ। आपको मैं दिखा देता हूँ, सारे सर्कल सिलेक्ट हो गए, मैं उनको मूव करा देता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट से पकड़ के। देखिए जो आपके सारे सर्कल थे वो सिलेक्ट हुए थे, रेक्टेंगल नहीं हुए थे, आपको दिख रहा है। इस वजह से मैं आपको मूव करा के दिखाया कि आप यहाँ अच्छे से समझ लें कि सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट हुए थे, मुझे फिगर बैक उसी तरह लाना है तो कंट्रोल जेड, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम रेक्टेंगल को लेते हैं, सिर्फ मुझे रेक्टेंगल लेना है, तो आप रेक्टेंगल क्लिक करिए, ठीक है, फिर उसी पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन क्लिक करिए, तो देखिए रेक्टेंगल के साथ साथ जितने भी ये लाइन कमांड से थे, मतलब जितने भी लाइन से जुड़े हुए फिगर थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब यही होता है कि रेक्टेंगल में आपका जो होता है वो लाइन ही मैक होता है, इस वजह से सारे लाइन के जितने फिगर थे वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा तीन तरह से सिलेक्शन हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए हम ग्रिप की बात करते हैं, ठीक है, ग्रिप क्या होता है, ग्रिप होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट को शो करता है अगर वो पॉइंट ब्लू कलर का है तो उसे
द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी सिर्फ ग्रीफ होते हैं उनका फंक्शन अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं ग्रीफ होता क्या है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। अब देखिए, देखिए ब्लू कलर के पॉइंट दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा ब्लू कलर का रेक्टेंगल शेप में, बॉक्स के शेप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रिप, ठीक है। इस सर्कल में देखिए कितने ग्रिप है, 5 ग्रिप है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे ये रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, रेक्टेंगल में भी देखिए ये सारे बॉक्स जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ब्लू कलर के, ये हमारे ग्रिप बोले जाते हैं, ठीक है। इन सारे ग्रिप का यूज अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इस एक सर्कल की बात करता हूं, तो इसमें जो मिडिल वाला होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ग्रिप, ठीक है। इसको पकड़ के आप ड्रैग करा सकते हो, ठीक है, मूव करा सकते हो या कॉपी करा सकते हो अपने उस सेंटर ग्रिड से, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर ग्रिप की बात हो गई। अब देखिए ये 4 ग्रिप होते हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इनका साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सर्कल के केस में तो क्या होता है, आप किसी भी ग्रिप पे जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, उसका डाया या रेडियस को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके ड्रैग कराया, देखिए सर्कल का शेप जो है वो चेंज हो के दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं और छोटा करना चाहता हूँ, देखिए ग्रिप पे सिलेक्ट करके मैंने माउस को ड्रैग कराया अंदर के साइड, देखिए छोटा हो गया, ठीक है। ये यूज होता है हमारा ग्रिप का, ठीक है। ये होता है सर्कल के केस में। अब देखिए लाइन के केस में क्या होता है, लाइन के केस में कई होते हैं। देखिए जो कॉर्नर पॉइंट पे होते हैं आप उनसे क्या करते हैं, फिगर को स्ट्रेच करा सकते हैं, ठीक है। फिगर की लंबाई जो होती है आप उसको बढ़ा सकते हैं या लंबाई को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो होते हैं आपके ग्रिप से बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे लास्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन कमांड से। मान लीजिए मैं कोई भी फिगर मान लीजिए यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इस फिगर के लास्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक नहीं करना, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, सिर्फ माउस को ले जाके रखना है, क्लिक नहीं करना है, ठीक है। माउस ले जाके वहां पे रखिए तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक स्ट्रेच का ऑप्शन, एक लेंडन का ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए दोनों में ऑप्शन, दोनों में चेंजेस क्या है, जब आप स्ट्रेच का ऑप्शन क्लिक करेंगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए काम करता है, ठीक है। मतलब लाइन या तो आपको हॉरिजेंटली बनाना है या वर्टिकली अगर लाइन आपको बनानी है तो स्ट्रेच लेते हैं, ठीक है। और लेंथन हम तब लेंगे जब हमारा कोई भी लाइन इंक्लाइंड पे बनाना रहता है, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन के लिए हम लेंथन लेते हैं और हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन के लिए हम स्ट्रेच लेते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए इस पे गए और इस पे जाने के बाद हमने स्ट्रेच लिया, देखिए आपका जो होता है ये देखिए स्ट्रेच हो गया, दिख रहा है आपकी लाइन जो है देखिए बढ़ गई ना, तो ये होता है स्ट्रेच। अब देखिए लेंथन हम बताते हैं आपको, लेंथन मतलब ये आपका एंगल पे होता है, ठीक है। एंगल बनाने के आपको मैं बताया हूँ, अर्थ मोड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। एक ये एंगल पे आपको लाइन शो कर रहा है, ठीक है। अब इस लाइन पे क्लिक करिए, लास्ट पॉइंट पे ले जाइए और आपको लेंथन बताना है, ठीक है। तो लेंथन पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपसे जो एंड पॉइंट पूछेगा उससे देखिए आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए जो लाइन है वो ये क्या नाम है एंगल पे लाइन जो बनी थी वो आपकी बढ़ गई, ठीक है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो ये 2 चीजें होता है आपका, एक स्ट्रेच होता है, एक लेंथन होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, स्ट्रेच जो होता है कमांड वो आपका किसी भी लाइन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कराने के लिए होता है, और लेंथन जो होता है वो एंगल पे कोई भी लाइन बनी है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है ग्रिप। अब ग्रिप के भी कुछ हमारे सेटिंग होते हैं, जैसे ग्रिप की साइज हम बढ़ाते हैं तो कैसे ग्रिप की साइज बढ़ाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से, ग्रिप आपका दिख रहा है। अब यहाँ आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करिए, सेम प्रोसीजर जैसा मैं आपको पीछे बताया था क्रॉस हेयर के सेटिंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉरी ये सेलेक्ट नहीं करना है, अब सिंपली आपको क्लिक करना है और ऑप्शंस पे जाना है, जो मैं आपको लास्ट में बताया था। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ सिलेक्शन में जाना है, सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ देखिए ग्रिप साइज दिख रहा है, ठीक है। ग्रिप साइज पे आप यहाँ ग्रिप साइज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, बढ़ा दिया, अप्लाई किया, ओके किया।
अब देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको देखिए ग्रिप साइज कितनी बड़ी हमारी शो कर रही है ना। अब अगर फिर हमें ग्रिप साइज छोटी करनी है तो राइट क्लिक ऑप्शंस सिलेक्शन पे है ही, और यहाँ से ग्रिप साइज को छोटी कर लीजिए, ठीक है, और अप्लाई फिर ओके। अब देखिए आप सिलेक्ट करिए, देखिए ग्रिप साइज आपकी छोटी दिखने लगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ग्रिप साइज को यूज कर सॉरी उसकी जो साइज है आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज और बता दें, जब भी आप कोई कमांड लेते हैं, मान लीजिए हम लाइन कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करा रहे हैं, तो लाइन कमांड आप मान लीजिए यहाँ से ले लिए, इंटर कर दिए, ठीक है, फिर यहाँ से ले लिए, ये कर दिए। अब मान लीजिए ये कमांड आपका बंद हो गया, ठीक है, और फिर से वही कमांड आपको लेना है, तो सिर्फ इंटर कर देंगे आपका वही लाइन कमांड ही देखिए फिर से एक्टिवेट हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा है फिर से लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। मैं यहाँ से लाइन कमांड ना जाके लिए ना यहाँ टाइप किया, हमने सिर्फ लाइन कमांड यूज कर रहे थे, हमने इंटर किया। अगर आप इंटर नहीं कर रहे हैं तो आप स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे तब भी आपका वही सेम कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। देखिए लाइन कमांड फिर से एक्टिवेट हो गया आपका, ठीक है, हम बंद कर दिए कमांड, एस्केप बटन कीबोर्ड से क्लिक किया, आपका कमांड बंद हो गया। लेकिन फिर से अगर मुझे लाइन कमांड ही लेना है, डायरेक्ट हम स्पेस बटन या इंटर बटन पे क्लिक करेंगे, आपका वही कमांड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ऑटोकैड के ड्राइंग में इंटर और स्पेस का यूज जो होता है वो 90% सेम होता है, ठीक है, 90% इज द सेम इज यूज ऑफ इंटर एंड स्पेस बटन, ठीक है। जनरली देखिए क्या होता है, लोगों का हैंड जो होता है वो सेट होता है अपने स्पेस वाले बटन पे, तो हम लोग ड्राइंग बनाते रहते हैं और कमांड को एक्टिवेट करना रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट अपने क्या नाम है स्पेस बटन से अपने कमांड को एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी जो होती है ये 2D ऑब्जेक्ट की सेटिंग होती है, इतनी सेटिंग आपको प्रैक्टिस करनी रहती है 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी कई अलग अलग तरह की सेटिंग होती हैं। तो जब मैं 3D ऑब्जेक्ट आपको बताऊंगा तो उस समय आपको सारी जो भी सेटिंग्स हैं 3D मॉडलिंग की वो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा, ठीक है, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग 2D पे कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, भी फिर 3D मॉडलिंग पे आएंगे, ठीक है। तो सारे कम सेटिंग्स जो थे वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है, सारे सेटिंग्स यहाँ पे मैं आपको आज बता दिया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, करिए, थैंक यू।